फसल काटने के विवाद को लेकर के मनगमा थाना अंतर्गत त्योनी के अधेड़ पर जानलेवा हमला गंभीर स्थिति में संजय गांधी हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले त्योनी गांव के काव टोला में फसल काटने के विवाद को लेकर के उस वक्त हंगामा हो गया जब अधेड़ सुनील तिवारी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया। घटना के संबंध में घायल के परिजनों ने बताया कि आरोपी उनके खेत में लगी अरहर की फसल काट रहे थे, इसी दौरान वह मौके पर पहुंचे और ऐसा करने से मना किया। तभी लाठी डंडे और धारदार हथियार से कुछ लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में सुरेंद्र तिवारी उम्र 60 वर्ष को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद आनंद फानन में परिवार के लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से पीड़ित को गगेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर के भर्ती कराया, जहाँ हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे रीवा SGMH के लिए रेफर कर दिया। चिकित्सकों द्वारा घायल का संजय गांधी अस्पताल के ICU वार्ड में इलाज किया जा रहा है। पूरी घटना के बाद मनगमा थाना में पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी मनगमा पुलिस मुख्य दर्शक बनी हुई है और अस्पताल सूत्रों की माने तो संजय गांधी अस्पताल में मनगमा पुलिस ने खुद MLC नॉर्मल करवाने की जोर आजमाइश लगा रखी है। संजय गांधी हॉस्पिटल के ICU वार्ड में उनका इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस के ऊपर भी इस मामले को लेकर के सख्ती ना बरतने के आरोप लग रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए रिपोर्ट, बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। सर, मैं त्योनी गांव से काव टोला से हूँ, मनगा थाना क्षेत्र लगता है और हम लोग किसान परिवार से संबंध है तो खेती करते हैं, तो हमारा वहाँ पे खेत है और दुकान भी है, तो खेत बोए हुए हैं अरसी और अरहर। तो वहाँ पर कुछ सरहंग लोग गाँव के ही हैं, वो लोग आके अरसी को काट रहे थे, तो पिताजी को हमारे कहीं से जानकारी मिले कि खेत आपको काट रहे हैं करके, तो वो वहाँ से आए उनको मना करने के लिए। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो वो लोग सब लोग एक साथ हमला कर दिए उनके ऊपर और इतना उनको मारपीट कर दिए लाठी डंडे से रंभे से कि वो मतलब गिर गए, सिर फट गया और बेहोश हो गए जी। कितने लोग थे? लोग थे लगभग 6-7 लोग थे, 8 लोग, जिसमें से विशेष रूप से 3-4 लोग हैं, जैसे कि मनकामना तिवारी हो गए, रुचित तिवारी, बिंधेश्वरी तिवारी, ये हैं। अच्छा, आप लोगों ने शिकायत भी कहीं की इसकी? शिकायत हम लोग जब वहां से लेके मनगवा थाने गए थे, बड़े पापा लोग हमारे गए थे, वहां पुलिस को जानकारी दी गई है, FIR की गया है। कैसी हालत है अभी? हालत अभी भी बहुत नाजुक है, बोलचाल बिल्कुल नहीं रहे हैं अभी, आगे देखते हैं क्या कैसे रहता है। कहाँ है संजय गांधी अस्पताल में? संजय गांधी अस्पताल पहले गगेव के लिए रेफर किया गया था, नाजुक हालत बहुत थी, होश में बिल्कुल नहीं थे, तो वहाँ से रेफर किया गया संजय गांधी। अच्छा। ICU में यहाँ पे एडमिट हैं। अच्छा, कैसी हालत है? अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है, बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहे हैं अभी, होश में आए। मेरा नाम उपेन्द्र तिवारी है।